ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। उड़ता उड़ीसा, ब्राउन सुगार निसारे पंजाब परे उड़ीसा, ड्रग्स माफिया का कब्जा रे बालेश्वर, भुवनेश्वर, अन्य शहर, एबे केंद्र नेला दायित्व। फैक्ट्रिया सील कर दी गई हैं और उसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड कर वहां भी कारोबार करने वालों को पकड़। ड्रग्स मुक्त भारत दिगरे मोदी सरकार कर आउ एक बड़ा पदक्षेप। ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था, इसके मालिक कौन है, उनको सारे के सारे पकड़ लिए गए हैं। बांग्लादेश रु भुवनेश्वर भाया मेदिनापुर और बालेश्वर, भुवनेश्वर रु जाउछि कटक, खोर्धा, नयागढ़, पुरी, सारा ओडिशा एबे ड्रग्स हब पलटी सारी। ओडिशा सरकार ड्रग्स उपरे रोक लगाइबारे फेल हेबारु केंद्र नेला दायित्व। मेरे गृहमंत्री नाते मुझे पूछे तो सब में प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रग्स फ्री भारत पाई केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जो घोषणा करिथिले ए हेउची से दिगरे एक बड़ा पदक्षेप। ब्राउन सुगार कोकेन हेरोइन रा डिमांड ओडिशा रे बढ़िबा संग को जमाइका, दक्षिण आफ्रिका और थाईलैंड रे ओडिशा गंजेई रा क्रेज देखिबा को मिलिछि। राज्य बाहर को जाउछि कंधवाल गंजेई, ओडिशा रे हु होई निशा कारबार बढ़ुतिबारु भुवनेश्वर रे खोलिछि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस, कोड वार्ड रे कारबार, डांस बार, पब रे डील, माफिया का विरोध में एनफोर्समेंट को आहुरी व्यापक करिबा पई ओडिशा रे नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफिस को उद्घाटन करिछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। पश्चिमबंग रो बालेश्वर दई राजधानी को धड़ा जहरा आसुतवा बळे एहा को रोकिबा पई एक्शन मोड को आसीछि एनसीबी। ड्रग के डिटेक्शन, नेटवर्क के डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट के डिटेंशन और एडिक्ट्स के रिहैबिलिटेशन, ये चारों मुद्दों पर समान प्रकार से तवज्जो देते हुए मैं आगे बढ़ना होगा। डिटेक्शन, डिस्ट्रक्शन और डिटेंशन में काफी अच्छा काम हुआ है, परंतु मैं सभी नारकोटिक्स कंट्रोल के साथ जुड़ी हुई एजेंसियों को कहना चाहता हूं कि जब तक रिहैबिलिटेशन को हम नहीं करेंगे और उनके मुक्त होने के बाद उन पर ध्यान नहीं रखेंगे, ये लड़ाई हमारी सफल नहीं। ये जोन पहले कलकत्ता जोन के अंडर में एज ए सब जोन काम कर रहा था, अभी उसको अपग्रेड करके फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट जोन बना दे और इस जोन के अंदर उड़ीसा का कंप्लीट पूरा राज्य इसके कंट्रोल में है। 17 मार्च 1986 रे ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट पाई देश रे काम आरंभ करी थिला एनसीबी। तबे ओडिया पुओ सत्यनारायण प्रधान एनसीबी रो टीजी भावे दायित्व नेबा परे गृहमंत्री अमित शाह निर्देश रे ड्रग्स फ्री भारत पाई आरंभ होईछि ऑपरेशन। वर्तमान सुधा 1,44,000 किलो ड्रग्स नष्ट सरीछि। ऑपरेशन समुद्र गुप्त अधीन रे एनसीबी विभिन्न तदंतकारी एजेंसी सह मिसि गोटे वर्ष रे 40,000 कोटी टंका मूल्यर ड्रग्स जबत करि सारीछि। तबे आगामी दिन रे भुवनेश्वर रे विभिन्न डांस बार, पब, कॉलेज कैंपस, खट्टी अड्डा रे एनसीबी स्पेशल ड्राइव करिबो। हम लोग इसको अपग्रेड कर दिए हैं जोनल लेवल पे, तो हमारा स्टाफ की जो संख्या है अभी तक हमारे पास लगभग 15 लोग यहाँ पे पोस्टेड हैं, तो उसकी संख्या हमें बढ़ करके उम्मीद है वी विल गो टू द 100 के आसपास पहुंच जाएगी विद द कमिंग टाइम। जैसे पूर्वरु कोलकाता जोन अधीन रे भुवनेश्वर रे एनसीबी ऑफिस काम करूथिला, एबे किंतु नुआ ऑफिस रो उद्घाटन परे स्वतंत्र भावे भुवनेश्वर रा एनसीबी ऑफिस कार्य करिबो। सेपर स्टाफ के संख्या 15 रु आगामी दिन रे प्राय 7 गुणा बढ़ाइबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। तेणु 23 वर्षर स्थिर सरकार रा पुरुषार्थ विफल हेबा परे ओडिशा को ड्रग्स फ्री करिवार दायित्व नैछंती गृहमंत्री अमित शाह। भुवनेश्वर रु संतोष जेना, अर्गस न्यूज़।